गुजरात और यूपी में दर्दनाक हादसे हुए हैं जिसमें दो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और देखते ही देखते चंद सेकंड में दो लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। गुजरात के आणंद में गरबा खेल रहे एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आया। वहीं यूपी के फतेहपुर में रामलीला के मंचन के दौरान एक कलाकार को हार्ट अटैक आ गया। दोनों हादसे के बाद पलक झपकते दोनों की जान चली गई, मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पहली तस्वीर गुजरात के आनंद की है जहां वीरेंद्र सिंह गरबा कर रहा था। इस दौरान वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार और मुस्कुराहट कम होने लगती है और अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर आनंद की है। अब यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है जहां पर रामलीला के दौरान हनुमान का किरदार निभा रहे रामस्वरूप की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। रामस्वरूप रामलीला में लंका दहन के बाद मंच पर नाच रहे थे, लेकिन अचानक वो नीचे गिरते हैं, जिसके बाद लोग रामस्वरूप को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। रामलीला में का मंचन चल रहा था, हनुमान का किरदार निभा रहे थे रामस्वरूप, और वो आप देखिए मंच पर हैं, डांस कर रहे हैं और डांस करते करते और उनकी दुम में देखिए आग लगी। लंका दहन के बाद की मंचन की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद वो अचानक नीचे गिरते हैं। लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन कुछ देर के बाद अस्पताल पहुंचने के बाद खबर ये मिलती है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।